चुनावी साल में अशोक गहलोत का मास्टर स्ट्रोक। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की हिंदुओं को सौगात। महाकाल लोक तर्ज पर होगा बड़े मंदिरों का विकास। राजस्थान में इस साल चुनाव होने हैं। चुनाव से पहले सरकार जनता को लुभाने के लिए हर काम करने को तैयार रहे। इसी कड़ी में प्रदेश की गहलोत सरकार ने मास्टर कार्ड खेला है। चुनावी साल में सरकार राजस्थान के बड़े मंदिरों को विकास के लिए योजना लेकर आई है, जिसको हिंदुओं के लिए बड़ी सौगात माना जा रहा है। वहीं सरकार की ओर से किए गए ऐलान को गहलोत सरकार का हिंदुत्व कार्ड माना जा रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नए संभाग और नए जिलों की घोषणा के साथ ही उज्जैन के महाकाल लोक की तर्ज पर राजस्थान के बड़े मंदिरों का पुनरुद्धार करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि खाटू श्याम जी, सालासर बालाजी, पुष्कर का मंदिर और जयपुर के आराध्य देव गोविंदी देव जी के मंदिर को महाकाल लोक की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। योजना के अनुसार राजस्थान के और कई मंदिरों के विकास का प्लान भी रखा गया है। इसमें त्रिपुरा सुंदरी, खोले के हनुमान जी, सांवलिया जी, तनोट मातेश्वरी, श्रीनाथ जी, कैला देवी, वीर तेजा जी, एकलिंग जी जैसे प्रसिद्ध मंदिरों के विकास का DPR बनेगा। CM ने सदन में राजस्थान के लिए 19 नए जिलों का ऐलान किया। साथ ही एक बड़ी घोषणा ये की कि अब गोविंद देव जी मंदिर में विशाल कॉरिडोर का निर्माण होगा, बिल्कुल उज्जैन महाकाल कॉरिडोर की तरह। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उज्जैन महाकाल लोक की तर्ज पर जयपुर के गोविंद देव जी मंदिर को बनाने का ऐलान किया। इसके लिए 100 करोड़ रुपए के बजट का प्रस्ताव रखा गया है। इतना ही नहीं, गोविंद देव जी मंदिर के साथ पुष्कर के विकास की भी घोषणा की गई है। इसके अलावा सांवलिया स्थित चित्तौड़गढ़ में जल झूलनी एकादशी मेले को भी 50% बस किराया छूट दी जाएगी। विधानसभा चुनाव से पहले CM गहलोत के ये ऐलान बेहद अहम माने जा रहे हैं। बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने उदयपुर में हुए चिंतन शिविर में जो मुद्दे उठाए थे, उनमें हिंदुओं का पार्टी से दूरी बनाना अहम मुद्दा था। इसमें ये फैसला लिया गया था कि हिंदुओं के बीच विश्वास हासिल करने के लिए और कोशिश करने की जरूरत है। लगता है यही वजह है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की घोषणाओं पर इस संकल्प का असर दिखाई दे रहा है। ये घोषणाएं 2023 के विधानसभा चुनावों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। वहीं आपको बता दें कि राजस्थान के मुख्यमंत्री पद के चेहरे को लेकर अब सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच की अदावत खत्म हो चुकी है। इसको साफ किया है खुद कांग्रेस ने अपने इस वीडियो गेम में, जिसमें गहलोत को 2023 में चेहरा बनाया गया है। इसमें कहा गया है कि नई चुनौतियों के लिए तैयार, 2023-2028 राजस्थान में गहलोत फिर से। ये वीडियो जारी होने के बाद यह तय माना जा रहा है कि CM अशोक गहलोत कांग्रेस आला कमान को संतुष्ट करने में सफल रहे हैं। इस खबर में अभी इतना ही। आप बने रहिए वन इंडिया के साथ।